लोकेश कुमार और इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री सीमेंट के गेट पर। सूचना मिली है कि अभी यहाँ पर एक दीवार है वो बारिश से गिर गई थी और जो अंदर है वो 20 से 25 मोटरसाइकिलें हैं उसके नीचे दब गई। हमारे साथ सरपंच जी यहाँ पर मौजूद है, बताइए सरपंच जी क्या बात है, आइए इधर। ये कंपनी का ये ऐसा विकास जो कहना चाहती है कि मैं विकास करना चाह रहे हैं जी। ये विकास आपके सामने है, आज ये दीवार ढही है, इस कंपनी के चार में ऐसी दीवार बनी हुई है, न जाने कितनी घटना होएगी आज। मीडिया का मैं कहना चाहता हूँ कंपनी ने कुछ नहीं किया, एक माटी से माटी लगा के और सीमेंट जीरो बराबर डाल के और ऐसी दीवारें खड़ी की है, इसलिए हमारो जान और माल को खतरों है। मीडिया के मार्फत प्रशासन के मार्फत यह कहना चाहूँ कि पूरी कंपनी की जांच हो, मेटल की पूरा की जांच हो और जितना बंदा की मोटरसाइकिल टूटी है और उनको नई मोटरसाइकिल दिया जाए और उसको स्थायी रोजगार दिया जाए। सरपंच जी कितनी मोटरसाइकिलें हैं अंदर, मैंने भी सूचना मिली थी कि लगभग 20 से 25 मोटरसाइकिलें हैं वो नीचे दबी हुई है दीवार के, तो आप बताइए कितनी मोटरसाइकिलें हैं लगभग? लगभग 30-35 मोटरसाइकिल है, जो गरीब बच्चे हैं उसकी, अभी कई बच्चों की तो अभी फिलहाल के माँ ने किस्तें चली हुई हैं, वो लोग 350-400 रुपया मजदूरी करते हैं, उससे मोटरसाइकिल खरीद के लाए हैं, उसकी किस्त बकाई चल रही है, उसकी आज इतनी बड़ी घटना हुई है, नहीं जाने इसमें कितने आदमी भी मर सकते थे, कितने आदमी जान का भी नुकसान हो सकता था। ये तो शुक्रिया मानो भगवान का कि ये दीवार मोटरसाइकिलों पर गिरी है। अभी कोई इतनी तेज बारिश नहीं हुई, इतनी तेज कोई हवाएं नहीं आई, लेकिन फिर भी ये कंपनी का ये ऐसा ही काम किया कंपनी ने, लिपापोती की ये कंपनी ने, इसलिए ऐसा ही होगा। आज ये दीवार डली है, कल दूसरी दीवार डलेगी। तो आपको बता दें कि मेरे पीछे श्री सीमेंट कंपनी है, इसी के अंदर एक दीवार है वो ढह गई है, उसके नीचे बताया जा रहा है कि 20-25 मोटरसाइकिलों के लगभग है वो नीचे दब चुकी है। अंदर जाकर देखते हैं क्या है, कितनी मोटरसाइकिलें दबी हुई है और बातचीत भी करते हैं अंदर चल के। और आपको बता दें कि अंदर है वो दीवार ढहने के बाद अंदर से जो गेट है वो बंद कर दिए गए हैं, कंपनी के गेट को है वो एक साइड से बंद कर दिया गया है। देखते हैं हमें अंदर जाने देते हैं नहीं जाने देते, आगे की खबर बने रही है हमारे साथ। को बता देगी इसके अंदर है कई बाइकें दबी है, एक और हमारे पास मौजूद है, आपकी बाइक दबी है क्या नीचे? हाँ, साथ वालों के। क्या बोले उन्होंने बाइक? बाइक अंदर ही है, वो खेले काम करवा देंगे। काम करवाने का नाम लिया है क्या? खेरा तो वो बड़े साहब है। सर सरपंच जी कह रहे हैं कि काम करवा देंगे बाइकों का, भाई साहब काम करवा देगा, अठे आदमी मर जाता बांगो काम करवा देता के, आप पूछना चाहो वहां से कंपनी वाला से। अरे तो मोटरसाइकिल दबी है जी टेम पर, कोई भाई मोटरसाइकिल आपकी कार तो जाना डे कोई हादसा हो जाता तो बोल देता के आपका। तो अभी गेट भी बंद कर रहे हैं वो, अंदर नहीं जाने दे रहे। गेट तो नहीं कर रहे कि अरे मीडिया वाला अनुमान ना आवे, आपने बदनामी ना होवे, इसलिए हो रहे है जो सो काम। तो क्या कदम रहेंगे आगे के? कदम और रहेगो कि आगे जवाब मांगो जागो कि आज तो मोटरसाइकिल आंकी दबी है, आज ये 15-20 किलोमीटर बाउंड्री कर रखी है, इक्की भी एक एक की जांच करी जाएगी, गति तो नीम रेडी है और के मेटल लगाएडो है, आज आ दीवार रही है। आप देखते हो कि कंपनी उल्ले कोने से ले गोठक एंड तक चार दीवार है जी, बिल्कुल चार, और काफी दूर में दीवार है, काफी दूर में है, बड़े पशु भी हांडते हैं, इंसान भी हांडते हैं, सब घुमा है। आज ये दीवार रही, कल वो रहेगी तो ये दे देंगे क्या? ये मोटरसाइकिल के लिए तो बोल रहे हैं कि हम नहीं दिला देंगे, हम आपको काम करवा देंगे, कल आदमी मर जाता दे देता के जी, बिल्कुल बिल्कुल, इनको जवाब आने देना पड़ेगा जन आगे काम होगो, नहीं कल सुबह ही मैं कह रहा हूँ कि वो गेट ही बंद होगो और अक्सर काम होगा। आपका क्या कहना है, क्या मांग है आपकी? जो मांग मेरी है कि कंपनी जो काम करे कि पुण्य जांच होनी चाहिए, पूरा डंडो दोबारा टूटे और दोबारा बने, आज मांग है मेरी तो जी। बिल्कुल हमारे साथ ये मौजूद थे, ये कह रहे थे कि अब कंपनी की जो काम करवाया चारों चार दीवारी का उसका पूरा काम होना चाहिए और जो है वो जांच करनी चाहिए कि कहाँ कितना क्या कमी है। देखते हैं अंदर जाने की कोशिश फिर करते हैं, हम जाने देते हैं या नहीं जाने देते हैं। मेरे पीछे पास में देख सकते हैं एक JCP है, वो डंडे को हटाने के लिए आई है गेट के ऊपर और बात करते हैं अंदर जाने से हैं वो मना कर रहे हैं, शायद अपनी कमजोरी है वो छुपाने में लगे, क्या कर रहे हो आप? भाई बात है कि कंपनी आपकी कमजोरी लुकाना चाहे है, JCP ने बुला ली है, गेट बंद कर मिले है, एक गांव को दो मिनट होने के कारण मन ने भी मान कर उड़वा दे रहा, मीडिया ने भी कोने उड़वा दे रहा कि ये साफ सुथरों काम कर दे। मैं यो कहना चाहूंगी ये कुछ भी कर लो, आज आ दशा अपनी है तो देश की के दशा करेगा श्री सीमेंट।
शायद कर्मचारियों को लगाकर उनको हटाया जा रहा है। कर्मचारी भैया लगा हटा रहे है। अरे आज आज सीमेंट आपकी भेज जगह कटे को पुड़िया टूटली को क्यों टूटलो। तो इसलिए मैं कहना चाहूँ हूँ मीडिया से भी कि को ज़्यादा ज़्यादा प्रचार करो गोड़ा में श्री सीमेंट ने वो काम करे है। एक आपको ही सेफ्टी कौन कर सकी, आपको मकान ही मजबूत कौन बना सकी, आपको डंडो ही मजबूत कौन बना सकी, तो अब दूसरा के बना के देगी। इसलिए जता ही बंदा ना पूछ गो थे कोई ना अंदर जान कौन दे रहा है। जबकि मोटरसाइकिल टूट गए बा भया ना बुढ़ा रहा है थाने नहीं दे देंगा थारो काम करवा देंगा बारह रोड़ा मत करो। पर भाई थे मोटरसाइकिल नहीं दे देगा मान जाऊँगा थे काम करो वो मान जाऊंगा। बन जदे अड़े आदमी मर जाता मैं कौन दे देता जी। बिल्कुल बिल्कुल मैं मीडिया में आज कहना चाहूँ कि पूरो काम नहीं कोई करे है आए के बाद श्री सीमेंट इनमें जत्ता भी भ्रष्ट कर्मचारी है जत्ता दलाल कर्मचारी है। मैं मीडिया के मार्फत श्री सीमेंट के माइन डायरेक्टर को सूचना करना चाहता हूँ सबको सस्पेंड किया जाए और उसको यहाँ से भगा दिया जाए। और भी काफी लोग यहाँ पर मौजूद है चर्चा ये करते हैं उनसे क्या बात हुई आपकी भी कोई बाइक वाइक अंदर है क्या? नहीं हमारी बाइक नहीं। तो देखा है क्या आपने अंदर जो बाइक अंदर टूटा हुआ है? कितनी मोटरसाइकिल है? 50 बाइक है। 50 बाइक है। तो धीरे धीरे है बाइकों का सिलसिला बढ़ता जा रहा। लोग बता रहे हैं कि है भाई कोई बता रहा है 20 है कोई 30 बता रहा है ये लोग है वो 50 बता रहे हैं और जेसीपी है वो अंदर जा रही है। लेकिन जेसीपी मशीन है वो डंडे को हटाने के लिए अंदर जा रही है। से बाहर आए इधर दर्द उठा भाग के आए भाई मोटरसाइकिल लगी हुई बंदा तो नहीं दब गया इन्होंने तो गेट बंदी कर लिया इन्होंने गेट बंदी कर लिया हमको अंदर ही नहीं जाने दिया भाई हमारे को बंदे के लग जाए वो लग जाए। तो आपके भी साथी है क्या अंदर काम करते हैं क्या? काम तो करते ही हैं हमारे ट्रक संगठन वाले घूमते हैं काम भी करते हैं गाड़ियाँ लगा रखी है ट्रांसपोर्ट में अंदर वो आते हैं जाते हैं। और एक जो सामने दीवार है वो भी गिरने वाली है आप उसकी फ़ोटो ले लीजिए वो जो नीम है ना उसकी फोटो ले लीजिए। यहाँ लेटरिन बाथरूम है दो लेटरिन बाथरूम है सिर्फ दो लेटरिन बाथरूम उस उनमें नंबर नहीं आता है 40 तो ट्रांसपोर्ट वाले हैं। वो छोड़ो आप अभी बात है वो कि दीवार की बात है मैंने काफ़ी नुकसान हुआ है काश कोई बड़ा हादसा हो जाता बड़े हादसे होने की पूरी उम्मीद थी कि ऐसे मौसम है और इस इतने से मौसम में और दीवार गिर गई। भाई देखने की बात है कि फिलहाल तो थोड़ी सी तो बात चल रही अर कोई अपने चिड़कली मुता है जो तीन बार से हुई है बिके मान दीवार पड़गी कल जून में यहीं बारिश हो जावे जहाँ तो खेत के दसावे कत्ती तो दीवार पड़े कत्ता आदमी मरे बा बात मीडिया वाले सोच सको भाई मैं तो के केस की बार का मान भी फाड़ सके यहाँ का तो ये कहानी है कि आज दीवार ही पड़ी है मैं उन्होंने यहाँ लग गया कि वो गेट भी पड़ सके वो भी पड़ सके है ए कह रहे हैं कि मैं तो मजबूत काम करा ओ गांव में मैं सीआरसी फंड से बढ़िया काम करा आपको खुद को घर ही है आपको नहीं बना सके जगह गांव को के विकास करेगा भैया अब बताओ मन तो यहां पर काफी लोग हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं और आगे देखते हैं क्या जानकारियां मिलती है। भैया वो मीडिया वाला देख लियो अब मीडिया वाला ने बान और में दिखावा ले आया हूँ कि आंखों के दस है मीडिया वाला देख सका है कि डंडा की क्या हालत है मिट्टी भराव करके जाप तो कर सके। अरे चप्पल टूटे बार टांकों थोड़ी काम चलेगो ओ काम तो गड़बड़ है। मीडिया से निवेदन कर रहा हूँ कि बाहर की दशा भी आप देख सकते हो ये बाहर ने की दशा है ना तो आदमी मर सकता है। मान तो क्या आप माने पत्तों कौन बढ़वा दे मान लखो लिया है चुप कह के लिया और जी बंदा गाड़ी टूटी है भी आदमी गाड़ी टूटी है लाओ ना दे रहा है कि थाने नई गाड़ी दे देंगा थे थारी आरसी ले आओ। अरे थे गाड़ी तो नहीं दे दे सो पर पूछने वालों है कि आदमी मर जाता थोड़ा नया दे देता। मैं मीडिया के मार्फत ये कहना चाहता हूँ कंपनी वाले को कि यही काम हुआ ना तो एक दिन यहाँ से भगना पड़ेगा यहाँ से भगना पड़ेगा। मोटरसाइकिल कितनी अंदर आप मोटरसाइकिल का नंबर लिखा दो थारी मोटरसाइकिल के उसने नहीं देते नहीं मिल जाएगी नहीं मिलती है बात साहब कौन सा श्रीयाला कौन सा होता है तो सिक्योरिटी गार्ड वाला ना सिक्योरिटी गार्ड वाला कौन पे इंजीनियर सुबह नहीं मिलेगी सर नंबर लिखा कंपनी वाला नई मोटरसाइकिल दे आरसी मंगा रहे हैं
मैं कंपनी वाला आप पूछना चाहूँ कि ओ भाई मर जा तो जना नहीं थोड़ी देते तब है सही। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि को ढंग को काम करो, इसलिए मीडिया के मार्फत कहना चाहूँ कि पूरा डंडा ना पूरा गिराया जाए, कि जांच करी जाए, हर जगह में टूटे पड़े हो, एक तुच्छ बराबर बरसात को नहीं हुई, एक अंगली को नहीं हुई, अब मामूली कौन चाली जगह में डंडो बढ़ सके भैया। तो भाई मर गया तो देते थे कंपनी नहीं हो, इन्हें पूछो दिया मोटरसाइकिल और नहीं आ जाते के बंगा का मां बाप के इन्हें पूछो दिया मीडिया में पूछू मैं हर से लेते तो गयो मेरे पास तो कहीं एक ही को नहीं होना भाई साधन को गए गेलो को नहीं रे आदमी को गेलो से।